हेलो, वेलकम टू आर न्यू वीडियो। तो आज हम लोग बात करेंगे कि अगर माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन एग्जिस्ट ही ना करता तो क्या माइनक्राफ्ट जावा एडिशन इतना पॉपुलर होता, और हमारे जो क्रिएटर हैं जो माइनक्राफ्ट जावा एडिशन खेल खेल पॉपुलर हुए हैं, क्या वो उतने ही पॉपुलर होते जितने कि अभी हैं। ये है मेरी नई सीरीज जिसका नाम है व्हाट इफ। इस सीरीज में हम लोग ऐसी अजीबोगरीब चीजों के बारे में बात करेंगे, तो चलो चालू करते हैं पूरी वीडियो। तो इस वीडियो का आइडिया कहां से आया, तो तुम लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी कि जो माइनक्राफ्ट जावा एडिशन खेलते हैं वो अपने को कुछ ज्यादा ही नेता मानते हैं, और जो बेडरॉक एडिशन के प्लेयर हैं वो जावा एडिशन वालों की पता नहीं क्यों इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है भाई? एक चीज पीसी पे खेली जा रही है, दूसरी चीज मोबाइल पे खेली जा रही है, तो एक चीज को ऊंचा और दूसरे को नीचा क्यों माना जा रहा है? इसको जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा समय में पीछे। क्राफ्ट वीडियो एंड लास्ट वीडियो के बाद एक्चुअली हुआ ये कि मैं जो है और पीछे इसके सभी लोग वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो और पीछे माइनक्राफ्ट ओल्ड डेज। माइनक्राफ्ट जावा एडिशन 2009 में आ गया था, उसके दो तीन साल बाद माइनक्राफ्ट बेडरॉक एडिशन भी लॉन्च हो गया। दोनों ही वर्जन अंग्रेजों में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुए थे। उसके पॉपुलर होने में मेन चीज थी कि इसका फील अलग था भाई, बाकी गेम से बिल्कुल अलग था। और अंग्रेजों में भी जितने क्रिएटर थे, यूट्यूब उस समय पैदा हो गया था और सारे लोग इसी गेम को खेलने में लग गए थे, मतलब अंग्रेज लोग पगला गए थे भाई। फिर धीरे धीरे गेम को बिल्कुल सारे लोगों ने निचोड़ लिया, मतलब हर चीज एक्सप्लोर कर ली, उनको गेम के सारे फीचर्स पता लग गए थे। अब उनको कुछ भी फन नहीं आता था माइनक्राफ्ट खेलने में, और उन लोगों के पास पैसा था तो वो लोग दूसरे गेम में शिफ्ट हो गए, अच्छे अच्छे ग्राफिक वाले गेम जो कि उनको और मजा देते थे। और ऐसे ही माइनक्राफ्ट का डिक्लाइन चालू हुआ और माइनक्राफ्ट बिल्कुल डेड हो गया था। फिर अचानक से एक क्रिएटर ने माइनक्राफ्ट को दोबारा पैदा कर दिया, बिल्कुल नई जीवन दान दे दिया। माइनक्राफ्ट फिर से ट्रेंड में आने लग गया, सारे प्लेयर उसी को खेलने लग गए। उस क्रिएटर का नाम था मेरा भी इंट्रोडक्शन माइनक्राफ्ट का उसी के चैनल से हुआ। उसी की वीडियो मुझे देख के मालूम चला कि भाई माइनक्राफ्ट क्या चीज है, और कुछ दिन बाद मुझे मालूम चला कि इसको हम लोग फोन में भी खेल सकते हैं। तो मैं उसकी वीडियो देखता था, बाद में जाके क्रिएटिव वर्ल्ड में घूमता था भाई, बस मुझे खेलना नहीं आता था। अपने जो इंडिया के क्रिएटर हैं उन्होंने भी माइनक्राफ्ट सर्वाइवल का एपिसोड उसी से उठाया है। ये रहे कुछ प्लेयर जिनकी सीरीज पे बहुत ज्यादा व्यूज आ रहे थे, टेक्नो गेमर, ट्रिगर्ड इंसान, बीस्ट बॉय शुभ, और धीरे धीरे लोगों को पता चला कि इस गेम को हम लोग खेल सकते हैं मोबाइल पे। ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई। तो ऐसा क्यों है कुछ पीसी गेम को कोई मोबाइल वाले प्लेयर्स नहीं देखते, लेकिन माइनक्राफ्ट जावा एडिशन पीसी का भी हो के पीसी का नहीं है, मोबाइल वाली कैटेगरी में आता है? ऐसा क्यों है भाई? तो जिस टाइम माइनक्राफ्ट जावा एडिशन इंडिया में पॉपुलर हो रहा था, तो उस टाइम लोगों के पास मोबाइल या पीसी नहीं थे, तो नया गेम था, बाकी क्रिएटर खेलते थे, लोगों को लगता था कि भाई ये नहीं मैं खेल रहा हूं, इसके रूप में मैं खेल रहा हूं। और बाकी क्रिएटरों ने भी देखा कि भाई इस गेम में बहुत ही ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, मतलब इसको खेलना इतना हार्ड भी नहीं है और इजी सा गेम है, तो चलो इसको ट्राई मारा जाए। और सारे क्रिएटर मिलके भाई इस माइनक्राफ्ट को इतना मिल्क किया कि भैंस भी शर्मा जाए। तो यहीं से जन्म हुआ माइनक्राफ्ट क्रिएटर का। एक क्रिएटर होते हैं जो सारे गेम खेलते हैं, और एक क्रिएटर होते हैं जो सिर्फ माइनक्राफ्ट जावा एडिशन खेलते हैं। उनमें से मेरा भी एक चैनल है, और मैं दूसरा गेम नहीं डालूंगा। मुझे मालूम है कि माइनक्राफ्ट की जनता और कुछ नहीं देखेगी, अगर मैंने माइनक्राफ्ट छोड़ के कुछ और डाला ना। अगर तुमने पॉपुलर होने के लिए माइनक्राफ्ट को चुना है, तो तुमको भाई आखिरी दम तक तुमको माइनक्राफ्ट खेलना पड़ेगा, तुम्हें अच्छा लगे बुरा लगे, बाकी गेम्स भी ट्राई करते रहो, बट माइनक्राफ्ट को छोड़ना नहीं। और अगर तुम बाकी दूसरे गेम से पॉपुलर हुए हो, तो तुम माइनक्राफ्ट भी ट्राई कर सकते हो। लेकिन वो लोग जो माइनक्राफ्ट से पॉपुलर हुए हैं और माइनक्राफ्ट को ही नहीं जानते कि भाई मैं नहीं खेलूंगा, सांप को पाल रहा था। अब इसमें जनता की भी गलती है कि तुम भाई सब्सक्राइबर पे जाते हो, तुम गेम प्ले पे नहीं जाते हो, तुमको लगता बड़ा क्रिएटर खेल रहा तो उसी को देखूंगा, छोटे को नहीं देखूंगा, तो गलत है ना, तुम्हारा वर्जन भी वो नहीं खेल रहा है। क्यों मर रहे हो उसके पीछे कि माइनक्राफ्ट खेल तेल लेने जाए। जो बंदे खेल रहे हैं उन्हीं को देखो ना, उन्हीं को सपोर्ट करो, क्या पता वो जिनको तुमने पहले सपोर्ट किया उससे चार गुना ज्यादा बड़े हो जाएं, उनको मौका तो दो। तो हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे, इधर उधर भटक गया था। आई एम सॉरी बाबू। तुम लोग को पता होगा पबजी पीसी और पबजी मोबाइल भी आता है। पबजी पीसी इंडिया में बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं है, कोई भी उसको देखता ही नहीं है। ऐसा क्यों है भाई? पबजी मोबाइल भी है, पबजी पीसी भी है, लेकिन माइनक्राफ्ट जावा का ही क्यों चल रहा है भाई सिस्टम? तो इसको समझ
समझने के लिए तुम्हें चलना पड़ेगा इतिहास में। तो माइनक्राफ्ट की जो टीम थी ना, उसने बहुत ही ज्यादा ब्रेन लगाया। उसने सोचा कि हमको भाई सारे कस्टमर चाहिए, हमको पीसी वाला भी चाहिए, हमको प्ले स्टेशन वाला भी चाहिए, हमको iOS वाला भी चाहिए, और हमको ज्यादा दिमाग भी ना लगाना पड़े। तो जैसे ही माइनक्राफ्ट जावा आता है, उसके थोड़े दिन बाद माइनक्राफ्ट बेडरॉक या पॉकेट एडिशन भी आ जाता है। अच्छा ठीक है, माइनक्राफ्ट पॉकेट और जावा आ गए, लेकिन उससे ये कैसे पता लगेगा कि ये इतना ज्यादा पॉपुलर कैसे हुआ? क्योंकि गेम को डेवलप ही ऐसे किया गया है, ये दोनों एक जैसे लगे, राम और श्याम। अब कुछ एग्जांपल देके समझाऊंगा जावा इतना पॉपुलर क्यों हुआ अमंग बेडरॉक प्लेयर्स। दोनों का प्लेयर मूवमेंट, दोनों का रेसिपीज, दोनों की गेम की स्टोरी सब कुछ सिमिलर है। और अगर वीडियो से देखा जाए, सारे टेक्सचर जितने भी हैं और जितने भी ग्राफिक हैं, सब सेम है जावा और बेडरॉक दोनों में। ये मेन फीचर है कि लोगों को, जिस क्रिएटर को वो लोग देखते हैं, वैसे ही ग्राफिक उनको अपने मोबाइल में भी देखने को मिलती है, वहां से वो कनेक्ट कर पाते हैं। उनको लगता भाई सेम ही गेम है, बस वो पीसी में चल रहा है। तो मोजैंग का सिस्टम जो ये था गेम को सिमिलर रखने वाला, ये बहुत ही बढ़िया हुआ। वहीं तुम पबजी पीसी में देख लो भाई, कंट्रोल्स हो गए, ग्राफिक का जमीन आसमान का अंतर है पबजी पीसी और पबजी मोबाइल में। और सबसे तगड़ी चीज, मोबाइल प्लेयर पीसी वालों के साथ खेल सकते हैं। और कुछ चीजें मुझे बहुत अजीब लगती है अपनी माइनक्राफ्ट कम्युनिटी में। पहली चीज ये है, सारे क्रिएटर्स को मोबाइल की जनता चाहिए, लेकिन उसको एड्रेस बहुत कम ही लोग करते हैं। जैसे अंग्रेज लोग हैं, सबको इंडिया की ऑडियंस तो चाहिए, लेकिन नाम नहीं लेता कोई इंडिया का। वही चीज बेडरॉक वालों के साथ हो रही है। अगर तुम किसी बेडरॉक वालों से पूछोगे कि भाई तू किस पे खेलता है, वो कहेगा भाई मैं मोबाइल पे खेलता हूँ, मैं गरीब हूँ। कुछ सेंस है इस बात में। जावा वाले प्लेयर बेडरॉक वाले प्लेयर्स को मार के कुछ ज्यादा ही खुश होते हैं, मतलब उनको नूब वगैरह बोलते हैं, तुझे खेलना नहीं आता, कोई सेंस नहीं है इसमें, तुम्हारा हर मूवमेंट के लिए एक की है तुम्हारे पास। और बेडरॉक वाले बेचारे उंगली घिस घिस के खेलते हैं। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं फर्जी बोले पड़ा हूँ, मतलब मेरे पास कोई भी प्रमाण नहीं है। तो मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में ही पूछ लिया भाई लोगों से कि मोबाइल पे खेलते हो कि पीसी पे। उसका रिजल्ट ये था, 64% लोगों ने बोला कि भाई हम मोबाइल पे खेलते हैं, 32% लोगों ने बोला कि हम पीसी पे खेलते हैं, और 4% लोगों ने बोला कि सिर्फ हम देखते हैं। तो तुम समझ सकते हो भाई कि कितनी जनता है मोबाइल वाली, समझे? बेडरॉक वाले भी कम नहीं है भाई, वो अगर देख ले कि कोई जावा का प्लेयर है या बेडरॉक का प्लेयर है, वो जावा वाले को प्रेफरेंस देंगे। वीडियो देखनी होगी तो वो जावा ही वाले की वीडियो देखेंगे। मतलब लोग इतने ज्यादा जावा से इन्फ्लुएंस हो गए हैं कि भाई वो पुजाव लॉन्चर से जावा खेल रहे हैं। लेकिन एक बात बताओ, तुमको खेलना तो मोबाइल ही में पड़ेगा, और अगर ऐसे ही सब लोग भगते रहे बेडरॉक वर्जन को छोड़ के दूसरे एपीके के थ्रू जावा खेलने में, तो बेडरॉक की कम्युनिटी तो बचेगी ही नहीं। तो तुम लोग समझ गए होगे कि बेडरॉक एडिशन कितना ज्यादा जरूरी है। मोबाइल पे खेलने वाले अगर ना हो तो ये लोग इतने बड़े क्रिएटर ना बन पाते, ये बात बिल्कुल सच है। इसको अगर कोई डिनाई करता है तो भाई वो समझ लो क्या है, तब जानते हैं भाई असलियत क्या है, एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो इन बेचारे मोबाइल प्लेयर्स को भी रिस्पेक्ट दिया करो, ये हैं तभी माइनक्राफ्ट जिंदा है, यही देखते हैं भाई तुम्हारा नूब गेम प्ले को भी एंजॉय करते हैं, क्योंकि ये इनके फोन में खेल नहीं सकते उतना प्रॉपरली। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, और जाते जाते ये बता जाना कि तुमने पहली बार माइनक्राफ्ट किस वर्जन में खेला था, जावा में कि बेडरॉक में। और यार मेरा डिस्कॉर्ड बहुत सुना सुना है, आओ चैट में बातचीत करते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बाय बाय।